जय हिंद दोस्तों, करियर एक्शन सेंटर में आपका स्वागत है। तो आज क्रैश कोर्स का फर्स्ट क्लास होने वाला है जो कि आप लोग के लिए काफी इम्पोर्टेंट होगा और हमारे तरफ से इतना कंटेंट अच्छी तरह से बनाए हैं कि आप लोग को पसंद भी आएगा। तो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। तो हम सबसे पहले वास्तविक संख्या समझने से पहले नंबर को देखते हैं, यानी नंबर। नंबर मतलब क्या होता है? नंबर मतलब होता है संख्या। नंबर वाला होता है संख्या। नंबर वाला होता है संख्या। तो नंबर दो प्रकार के होते हैं। नंबर दो प्रकार के पहला रियल नंबर और दूसरा इमेजिनरी नंबर। तो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। तो रियल नंबर को हम वास्तविक संख्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। और ये बोलते हैं हमेशा काल्पनिक संख्या। इमेजिनरी नंबर को हम बोलते हैं काल्पनिक संख्या। तो काल्पनिक संख्या हमें पढ़ना है टेंथ के बाद, तो हमें इसके बारे में नहीं पढ़ना है, तो हम इसे काट दें क्योंकि ये ज्यादा दिमाग में घुरे रहेगा कि ये इमेजिनरी नंबर क्या होता है। तो हमें ये नहीं पढ़ना है इमेजिनरी नंबर, तो हमें इमेजिनरी नंबर को हम बात भी नहीं करेंगे। हमें पढ़ना है रियल नंबर। तो रियल नंबर भी दो प्रकार के होते हैं। रियल नंबर दो प्रकार के होते हैं। पहला परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या। हम ये दोनों को काफी बेहतरीन से बताएंगे कि ये सबसे पहले कौन बताएं कि परिमेय संख्या को क्या है और अपरिमेय संख्या सबसे पहले प्रूव कौन किए हैं, ये सब हम इस वीडियो में बताएंगे। जहां तक आप लोगों को क्वेश्चन पूछ भी नहीं सकता है हम वहां तक बताएंगे, ताकि हम बहुत बेसिक से बताएंगे। तो हम अपरिमेय संख्या भी दो प्रकार के होते हैं। परिमेय संख्या कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के। परिमेय संख्या दो प्रकार के, पहला होता है पूर्णांक संख्या और दूसरा होता है भिन्न। कितना आप लोग नोट करना चाहते हैं तो नोट कीजिए, उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए यहां तक हो गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं प्राकृत संख्या किसे बोलते हैं। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, प्राकृत संख्या से भी क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि मजाक में ये वाले लीजिएगा, प्राकृत संख्या तो दिक्कत होगा। तो चलिए हम देखते हैं प्राकृत संख्या। अब लिखना बहुत कम ही है, अब एक डायरेक्ट डाउनलोड करना है क्योंकि बहुत लिख लिए, क्योंकि ये क्रैश कोर्स है। चलिए तो प्राकृत संख्या हम किसे बोलते हैं? यानी नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या बोलते हैं। ये तो सभी बता रहे हैं कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ये बचपन से ही हम लोग पढ़ रहे हैं कि गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या बोलते हैं, ठीक है। लेकिन हम इसे सूचित क्या से करते हैं, मतलब कौन सा अक्षर से हम सूचित करते हैं? तो इसे हम यन से सूचित करते हैं। प्राकृत संख्या को यन से सूचित करते हैं। लेकिन यहां से एक तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सा है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या होगा वन। सबसे छोटी प्राकृत संख्या होता वन। लेकिन पूछा जाए सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होती है, तो आप लोगों को ये नहीं पता होगा। तो चलिए देखिए, तो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या हम नहीं बता सकते क्योंकि जैसे हमारा दोस्त बोला 20, लेकिन अगला आदमी आगे बोल गया 30, तो वो भी प्राकृत संख्या। लेकिन ये हम नहीं बता सकते कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होती है, तो हम ये बात नहीं बता सकते। तो ये बात आप लोग नोट करके रख लीजिएगा कि पूछेगा कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या तो वन होता है और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या तो हमें पता नहीं, क्योंकि ये होता ही नहीं है, क्योंकि नंबर कभी अंत नहीं होता। चलिए आगे देखते हैं।
पूर्ण संख्या ये समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या, ये भी ध्यान में रखिएगा कि जनसन सूचित करते प्राकृत संख्या। तो पूर्ण संख्या गिनती की संख्या में, गिनती की संख्या में जीरो शामिल, शामिल कर दिया जाए तो उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। तो अब यहां भी क्वेश्चन उठ सकता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है जीरो। सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है जीरो। जैसे जीरो से हम शुरू करते हैं, यहां पे लिखा भी गया जीरो शामिल कर देगा गिनती की संख्या। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा जाएगा। तो हम सबसे पहले छोटी ये होगा, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या होता है शून्य। सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य, लेकिन सबसे बड़ी पूर्ण संख्या हम बता नहीं सकते क्योंकि इनका अंत ही नहीं है। जैसे हम बता सकते कि जो जन्म लिया है वो कन्फर्म है कि मरेगा, लेकिन जो जन्म नहीं लिया है तो कैसे वो मर भी नहीं सकता है। तो इनका अनंत है, कहां तक जाएगा ये हमें भी पता नहीं है। चलिए आगे देखते हैं हम पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या हम किसे बोलते हैं? तो पूर्णांक संख्या देखिए, ये भी नोट करना चाहते हैं तो आप लोग नोट कीजिए, इसे हम W से सूचित करते हैं। इसे हम W, पूर्ण संख्या को W से, और हम प्राकृत संख्या को N से सूचित करते हैं, और पूर्ण संख्या को W से सूचित करते हैं। चलिए आगे आगे हम देखते हैं पूर्णांक संख्या। तो आप लोग ये वाला क्वेश्चन नोट कर लीजिए, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? तो प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या के संग्रह में जीरो तथा ऋणात्मक, जैसे देखिए यहाँ पे समझने के लिए मान लीजिए ये नंबर लाइन है, ये हमारा नंबर लाइन है। इस तरफ आता है तो प्लस और इस तरफ आता है तो माइनस। यहां से 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 तो ये दोनों को मिलाने पे जो बनता है उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। जीरो भी शामिल कर देना उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। और पूर्णांक संख्या को हम जेड से सूचित करते हैं। पूर्णांक संख्या को हम क्या से सूचित करते हैं? तो जेड से। क्या से सूचित करते हैं? जेड से। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, जेड मतलब हिसाब से देखिए पूर्ण संख्या होल नंबर, तो हम इसे W से सूचित करते हैं। और प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर उसे हम N से सूचित करते हैं। लेकिन हम पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स नंबर, इंटीजर्स नंबर, लेकिन हम इसे सूचित कर रहे हैं जेड से। तो इसे हम जेहलिन से लिया गया, ये जर्मन जेड का शब्द है, उसे हम जेहलिन से लिया गया। तो यहाँ तक भी किसे, और जेहलिन का मतलब होता है गिनना, जेहलिन का मतलब होता है गिनना। चलिए तो अब आगे चलते हैं हम परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या की तरफ से। तो ये भी नोट करना चाहते तो आप लोग नोट कीजिए, चलिए तो हम देखते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे बोलते हैं? परिमेय संख्या किसे बोलते हैं यानी रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे बोलते हैं? तो वैसी संख्या जो P बटा Q के रूप में लिखा जा सके उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो P बटा Q के रूप में लिखा जाए उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे P बटा Q के रूप में लिखा जाए, ये सभी आप लोगों को पता होगा कि P बटा Q के रूप में लिखा जाना चाहिए उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन हमें इसे Q से सूचित करते हैं। परिमेय संख्या को हम क्या से सूचित करते हैं? तो Q से। परिमेय संख्या को सूचित करते हैं हम Q से। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा ये बात, क्योंकि बहुत डीप पढ़ा रहे हैं, इतना डीप कोई भी चैनल पे पढ़ाया नहीं जा रहा है, इसे हम Q से सूचित करते हैं। चलिए इसे हम अंग्रेजी में रेशनल नंबर की उत्पत्ति रेडियो से हुआ। Q का अक्षर होता है क्वाटेंट, Q का मतलब होता है क्वाटेंट, Q मतलब क्वाटेंट।
चलिए, तो ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये बहुत ही इजी है। जैसे 2/5 ये परिमेय संख्या है, 4/5 परिमेय संख्या है। जैसे आप लोग बताइएगा पाई क्या है, यहाँ पे दिमाग लगाइएगा कि पाई का मान होता है कितना, 22/7, तो ये होगा परिमेय संख्या। लेकिन ये वाला क्या होगा आप लोग कॉमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि क्या होगा, पाई क्या होता है, ये आप लोग जरूर कॉमेंट कीजिएगा। चलिए आगे देते हैं, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या हम किसे बोलते हैं, तो अपरिमेय संख्या किसे बोलते हैं, वैसी संख्या, वैसी संख्या जो पी बटा क्यू के रूप में लिखा जाए, सॉरी पी बटा क्यू के रूप में लिखा नहीं जाए, तो उसे हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या, यानी इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर उसे हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं, यानी कि अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में लिखा नहीं जाए उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे इसे उदाहरण लिया जाए तो √3, √5, और यदि आप लोग गलती से दे दिए होंगे √4, तो ये आप लोग गलत होगा। कैसे, √4 का मान होता है 2, तो 2 क्या है, परिमेय संख्या, जिसके नीचे कुछ नहीं तो उसके नीचे a, तो वो होगा परिमेय संख्या। ठीक है, आगे देखते हैं। तो सबसे पहले अपरिमेय संख्या प्रूव कौन किए, चलिए यहां से एक क्वेश्चन भी छूट गया था, यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दो परिमेय संख्या के बीच कितने परिमेय संख्या होती है, दो परिमेय संख्या के बीच कितने परिमेय संख्या होते हैं, ये क्वेश्चन आप लोग स्टार मार लीजिएगा। दो संख्या के बीच कितने परिमेय संख्या होते, तो ये आपका आंसर होगा अनंत। क्या होगा, तो अनंत, यानी कि अनंत। तो चलिए अब अपरिमेय की संख्या को देखते हैं। पाइथागोरस के अनुयायियों ने यह बताया कि सबसे पहले पाइथागोरस के शिष्य ने बताया था कि √2 अपरिमेय संख्या है। ये देखिए यहाँ बहुत काफी टिप है कि सबसे पहले पाइथागोरस के शिष्य, ये वहां पे लिखा होगा अनुयायी, अनुयायियों मतलब होता है शिष्य, कि सबसे पहले √2 को प्रूव किए थे तो पाइथागोरस के शिष्य ने कि ये √2 अपरिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन आगे कुछ खखोरने वाले होते तो खखोर कर बताएं कि नहीं, थियोडोरस ने किया कि रूट तो बताया था ये पाइथागोरस का अनुयायियों ने, लेकिन √3, √5, √7, √6 ये सभी बताएं, ये बताए थियोडोरस, कौन बताए तो थियोडोरस ने बताया कि ये सभी भी अपरिमेय संख्या, √3, √5, √6 ये सभी। लेकिन आगे भी कुछ और खपड़ने वाले थे तो वो लेम्बर्ट और लेजेंड ने किया कि पाई भी अपरिमेय संख्या। यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पाई कौन प्रूव किए सबसे पहले कि पाई अपरिमेय संख्या है, तो आप लोग बताइएगा लेम्बर्ट और लेजेंड। चलिए, तो ये बात भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं हम शांत और अशांत, तो हम शांत और अशांत को पढ़ना क्यों जरूरी है, ये बात भी, जैसे पढ़ना जरूरी क्यों होता है, जब हम रियल नंबर पढ़ा रहे हैं, रियल नंबर पढ़ना क्यों जरूरी, तो रियल नंबर से क्वेश्चन आता है। तो उसी तरह हम वास्तविक संख्या को, वास्तविक संख्या और दशमलव प्रसार यानी शांत और अशांत ये भी पढ़ना क्यों जरूरी, तो ये क्वेश्चन आता है, ये हर एक बार क्वेश्चन 2 नंबर वाला आता है, या नहीं तो आप लोग को ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन देखने को लिए जरूर मिलेगा। तो चलिए हम शांत और अशांत या अपशांत, देखिए शांत का बहुत नाम है, शांत या अशांत, या अपशानी या अनवशानी, या आवृत्ति या अनावृत्ति, ये सभी देखने को मिलेगा, तो चुपचाप आप लोग शांत या अशांत निकाल दीजिएगा। जैसे जैसे शांत है या अशांत है, इसके लिए हम निकालते हैं शांत है या अशांत। जैसे 2/5, 2/5 को हमें दिया रहेगा कि शांत होगा या अशांत होगा, तो हम किस तरह से निकालेंगे, तो चलिए देखिए यहां इस तरह से निकालेंगे, ये वाला नीचे से ऊपर में भाग देना है, नीचे से ऊपर, तो 5 भाग तो 0 देंगे, यहाँ पे पॉइंट होगा, यहाँ पे तो 20 होगा, यानी 0.4, यानी 5 होगा 20, यानी कि ये होगा आपका आंसर शांत, ये होगा आपका आंसर शांत। और आगे लेते हैं, जैसे 3/16, 3/16, तो यहाँ भी 16/3 करेंगे, 16/3, तो 0 पॉइंट यहाँ पे 0 देंगे, तो 16 × 32 नहीं लगेगा, तो एक बार लगाइएगा 16, यानी 4 और 14 बचेगा,
फिर देना है जीरो यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना होगा 16 6 96 16 7 72 16 28 यानी कि 128 यहाँ पे आएगा 12। फिर शून्य देंगे 16 5 80 16 6 96 16 7 72 से 7 बार में 1 1 2 यानी 8। फिर एक तो शून्य आएगा तो 16 5 80 ये आपका होगा आसान, ये होगा आपका आसान। यही नहीं करता आगे जाता तो उसे हम बोलते आसान। जैसे शांत और अशांत और शांत अशांत इस तरह से नहीं समझ आ रहा तो सबसे पहले आप देहाती भाषा में समझें। जैसे कोई वक वक कर ज्यादा बोल रहा है उसे एक झापड़ दीजिए वो शांत हो जाएगा, और जैसे यहाँ पे एक झापड़ पड़ गया तो शांत हो गया, और यही नहीं देते तो हम आगे बढ़ता जाता तो वो अशांत होगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं अब ट्री मेथड यानी कि वृक्ष विधि। वृक्ष विधि वाला भी क्वेश्चन आता है, कल हम क्वेश्चन बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे रीजन नंबर का, और ये वीडियो आप लोग देख लेंगे तो ये भी क्वेश्चन छूटा छूट जाएगा, तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा कि ये क्वेश्चन हमसे छूट गया। ये भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, यही है कि बारीकी से देखना है आप लोग को। चलिए तो ट्री मेथड यानी कि वृक्ष विधि, वृक्ष विधि जैसे मान लेते हैं हम छोटा सा लेते हैं सो, यानी आप लोग को हम समझा देते हैं सो में ही, सो का वृक्ष विधि द्वारा हल करना है। सो को वृक्ष विधि द्वारा हल करना है तो आप लोग को इस तरह से करना है, दो बार में यहां लिखेंगे ये बचा 50, फिर यहां से करेंगे तो ये दो बार में लगेगा ये होगा 25। मतलब कि भाग जो दिए हैं भागफल जितना आया तो हम ये ई साइड लिखेंगे यानी कि लेफ्ट साइड, और जो बचा है वो लिखेंगे हम राइट साइड। और कितना बार में लगेगा तो 5 बार में, ये 5 होगा और ये भी 5 होगा। यही आपका ट्री मेथड बोले या वृक्ष विधि बोले, जो बोलना है इसी को बोलते हैं। ये भी आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो बताइए आप लोग कैसा लगा वीडियो, जरूर कमेंट कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।